भारत ने सीमा पार से आतंकवाद का एक बुरा दौर झेला है। ये वो दौर था जब सीमा पार से आतंकी बेधड़क घुसकर भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन समय ने करवट बदली और आज भारत हमलावरों को उनके घर में घुसकर मारता है। लेकिन अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं जिनके जख्म सदा हरे रहेंगे और हमें आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलते रहने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। आज 13 दिसंबर है। इतिहास में वैसे तो आज के दिन के नाम पर कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन साल 2001 का यह 13 दिसंबर भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि उस दिन की सुबह आतंक का काला साया देश के लोकतंत्र की दहलीज तक आ पहुंचा था। यही वो तारीख है जब एक सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आज संसद भवन हमले की 21वीं वर्षी है। 21 साल बाद भी संसद पर हुए आतंकी हमले की यादें अभी भी ताजा हैं। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ के 1 महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे, जबकि 5 आतंकी भी मारे गए थे। दरअसल 13 दिसंबर 2001 की सुबह संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दिन संसद में ज्यादातर सांसद मौजूद थे और संसद के दोनों सदनों में ताबूत घोटाला को लेकर सदस्यों द्वारा हंगामा किया जा रहा था। तभी करीब 11:29 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन की ओर तेजी से आई और मेन एंट्रेंस पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। बता दें कि सफेद एम्बेसडर कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगा हुआ था। कार को संसद परिसर में तेजी से आगे बढ़ने पर लगे सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए दौड़े। अचानक ही गाड़ी में बैठे 5 फिदायीन बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। 5 आतंकवादी AK-47 से लैस थे और 5 के पीठ और कंधे पर बैग थे। गोलियों की आवाज से दहशत फैल चुकी थी। संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिसे जिधर कोना दिखाई दे रहा था वो उधर भाग रहा था। लाल कृष्ण अडवाणी और रक्षा मंत्री समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए और अपनी अपनी पोजिशन ले ली। एक आतंकवादी ने गोली लगते ही खुद को उड़ा दिया। बाकी आतंकी बीच बीच में सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे। सारे आतंकवादी चारों तरफ से घिर चुके थे और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक करके सभी ढेर कर दिए गए। संसद भवन पर हुए इस हमले की साजिश अफजल गुरु ने रची रखी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संसद हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को गिरफ्तार किया था। जाँच के दौरान पता चला था कि उसने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी। बता दें कि साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट और साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। 9 फरवरी 2013 की सुबह अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज संसद हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न केंद्रीय मंत्री, विभिन्न दलों के सांसद और अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी ने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। संसद हमले के बाद से संसद की सुरक्षा को अवैध तो बना दिया गया है, लेकिन 13 दिसंबर 2001 का दिन एक जख्म की तरह है। अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़। धन्यवाद।